नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर सोफाइट में। हर बार की तरीके जैसा कि मैं वादा करता हूँ कि जो भी हमारे पास लेटेस्ट में बनके तैयार होगा उसके बारे में सभी को जरूर जानकारी दूँगा। तो इस बार फिर से एक बार सिंगल कलर में जो हमारे पास इटालियन स्वेट में जो जनरली हम लोग बनाते हैं उसमें एक थोड़ा यूनिक कलर है, अगर अभिषेक एक बार दिखा देंगे, क्योंकि इस अभिषेक का जो है जैकेट का भी कलर इसी से मैच कर रहा है, तो एक बार दिखा दीजिए, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है, क्या मटेरियल यूज़ किया गया है और क्या इसकी खास बात है। इसमें एक चीज़ और दिखाइएगा आपसे, इसमें खास तौर से क्लोज आके ये जो पाइपिंग का वर्क है इस सोफे में, खास तौर से अगर आप दिखाएंगे स्टार्टिंग से और इसमें हैंडल पे भी, अगर आप हैंडल पे भी देखेंगे पाइपिंग का वर्क पूरे सोफे में ही किया गया है। इस तरीके का अगर आप देखेंगे इसके, अगर देखिए वैसे तो आप बहुत ही सिंपल एंड सोबर बना है, पर ओवरऑल पाइपिंग से थोड़ा लुक और बेहतर कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो है काउच का जो ओपन एरिया जो हम बनाते हैं इसमें इसी तरीके से बनाया है, इसमें हमने डिवाइड नहीं किया है इस सीट को। पर यहीं पे अगर हम सिटिंग वाले की बात करते हैं, अगर आप इस तीनों पार्ट में देखेंगे इसमें हमने सीट को डिवाइड किया है, वो खासतौर से जो पाइपिंग का जो एरिया है उसमें ज़रूर हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अगर हम यहीं आएंगे फिर से आप एक बार देखिए, ये दिखा दीजिएगा एक बार आपसे थोड़ा क्लोज से ज़्यादा समझ में आएगा। अब फ्रंट वाले एरिया में बाहर की अगर आप एरिया में देखते हैं तो इसमें भी पाइपिंग का वर्क किया है। अब इस कपड़े की मैं खास बात मैं इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि सब में ज़्यादा जनरली अभी मैं देखता हूँ कि लगभग मैं अगर मैं 10 सेट बनते हैं तो 10 में से लगभग मैं 7 सेट अभी इसी तरीके के फैब्रिक में हम लोग बना रहे हैं जल्दी। उसकी खास बात यह है कि इसका एक तो डस्टी ना होना, क्योंकि जनरली क्या होता है लोग हमसे यही डिमांड करते हैं कि सर ऐसा कपड़ा हो जो कि कम डस्ट हो और मेंटेनेंस कम से कम हो। तो इसमें हम लोग सब में ज़्यादा सजेस्ट भी करते हैं इस तरीके के कपड़े में। अगर आप इसकी देखेंगे आपसे थोड़ा क्लोज दिखा दीजिएगा, एक तो इसका स्मूथनेस बहुत अच्छा है और इससे क्या रहता है, एक तो डस्ट नहीं पकड़ता, डस्ट नहीं पकड़े तो ऑटोमेटिक गंदा नहीं होता। इसकी खास बात ये भी है कि चाहे आप गीले कपड़े से साफ करेंगे, अगर आप सूखे कपड़े से साफ करेंगे बहुत आसानी से ये साफ भी हो जाता है। अब आती है सीट की बात। सीट में मैं इसलिए जरूर बताना चाहूँगा कि सीट में पहले हमने जो आपसे अगर लास्ट में याद हो, क्योंकि हम दो इसको कवर कर चुके हैं जिसमें हम सीट के बारे में ज़रूर बताते हैं। जनरली क्या होता है सोफे में जो हम लोग एक माइंड सेट होता है कि बनाने में कितना डेंसिटी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम 32 और 40 में ही बात करते हैं। इसमें खासतौर से लेस्टिक का पेंसिल हो जो आपका फॉर्म है जिसकी की जो डेंसिटी है 65, आप समझ सकते हैं कितना अपर लेवल की क्वालिटी इसमें यूज किया गया है। वो बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी और डिमांड के अकॉर्डिंग हमने जो बनाया है। अब इसमें खास बात क्या है, जब हम बैठते हैं, जब इस तरीके से हम बैठते हैं तो इसका जो जंप है वो काफ़ी हाई रहता है। अगर आप बैठे बैठे ही आराम से अगर आप स्मूथ में अगर आप जंप करेंगे तो इसकी जंपिंग काफ़ी हाई रहती है। बाकी हम क्वालिटी तो बनाते हैं क्योंकि स्प्रिंग में रहता ही रहता है जंपिंग, पर एक फॉर्म का भी जंप रहता है, जब आप प्रेशर पड़ता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर आता है। इसकी खास बात यही है जो कि हम देखते हैं कि अल्ट्रा लग्जरी जो सोफे बनते हैं उनमें ज़्यादातर यूज होता है, और इसमें खास बात यही है कि इसमें जो कस्टमर ने हमसे डिमांड करी है इसी वजह से हमने इसमें पूरे में ही यूज किया है। अब कुशन की बात आते थे, कुशन में बिल्कुल प्लेन है क्योंकि उन्होंने, और ये चैन वाला ही रहता है। इससे क्या है, जब भी कभार अगर आपको चैन कोई और लगाना चाहें, प्रिंटेड लगाना चाहें या किसी और कलर का, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब आती है गारंटी की बात। इसमें इस खास तौर से जो हम कवर करते हैं, वैसे तो कंप्लीट गारंटी कवर करते हैं, इसमें जो है फॉर्म की जो गारंटी है वो 10 साल की है। जनरली क्या है 5 या 6 साल का ही रहता है, पर इसमें जो है कंपनी हमें 10 साल की गारंटी देती है, इसलिए उसका 10 साल का कंप्लीट गारंटी रहता है। अब दूसरी बात आ जाती है कि हम किसमें कवर करते हैं, सब में ज़्यादा जल्दी यही होता है, दो चीज़ों के बहुत ज़्यादा जो हम पे सवाल किए जाते हैं, एक तो रहता है कि सर गारंटी क्या है और एक रेट्स स्टार्टिंग क्या है। तो रेट मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि पर सीट से जो स्टार्ट होता है, कि देखिए जब कस्टमाइज आप सोफे बनवाते हैं तो उसमें जो रेट लगते हैं पर सीट के हिसाब से चार्जेस होते हैं। अब पर सीट में जैसे कि एक बार अब सिर्फ दोबारा दिखा देना, ये एरिया रहता है पर सीट का, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें ये 21 इंच स्टैंडर्ड जो रहता है वो 21 इंच का रहता है, तो वो स्टैंडर्ड रहता है सीट का नाप मेजरमेंट। अगर हम अगर डेप्थ की बात करें
वो 31 रहता है। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है, अगर आप अच्छे मटेरियल में आप अगर आप चाहते हैं, तो 5,000 पर सीट से स्टार्टिंग रहती है। तो अभी इसी को कवर करते हैं, नए में जो अभी बैक टू बैक जो है सिंपल कलर में वो भी आ रहा है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। अभी के लिए नमस्कार।